हर किसी का सपना होता है कि सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होकर अच्छे सरकारी ओहदे पर काम करे। यह सपना कई बार सही मार्गदर्शन या आर्थिक अभाव के चलते बिखर जाता है। ऐसे ही सपने को पूरा होने की इबारत इंदौर के शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की दीवारें पर लिखी हुई है। यहाँ पर पीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की तैयारी कराई जाती है। मेरा नाम वर्षा पवार है, मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की निवासी हूँ। शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के बारे में मुझे सबसे पहले अखबार के माध्यम से पता चला था। मैं जब यहाँ पर आई, मैंने फॉर्म सबमिट किया, तब मुझे ये भी पता चला कि शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में न केवल मॉक इंटरव्यू की तैयारी की करवाई जाती है, इसके अलावा प्रिलिम्स और मेन्स की भी निःशुल्क तैयारी की जाती है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर आकर करते हैं। बेशक सफलता मेहनत मांगती है, ये मेहनत हमें इसी संस्थान के माध्यम से करवाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ के संस्थान से 21 अभ्यर्थियों का चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2020 में हुआ है, जिसमें मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। शिवराज सरकार ने साल 2011 में इस योजना को शुरू किया था। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने अब तक हजारों विद्यार्थियों के सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक कर अवसर बनाने की सफलता की कहानी लिखी है। छिंदवाड़ा की रहने वाली अंजलि भी उनमें से एक है। मेरा नाम अंजलि आहाके है, मैं छिंदवाड़ा जिले की निवासी हूँ। मैं यहाँ शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के इंदौर में साक्षात्कार के लिए अपनी प्रशिक्षण ले रही हूँ। ये जो योजना है, ये शासकीय योजना है, जहाँ पे आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है और सिविल सर्विस में एक अच्छा मौका आपको यहाँ प्रदान किया जाता है। मैं इस योजना के बारे में इंदौर में आके सुना था, इसके पश्चात मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ का जो वातावरण है, ये बहुत ही अच्छा होता है। आपको साक्षात्कार के संबंध में संपूर्ण आत्मविश्वास दिलाया जाता, दिखाया जाता है। आपको एक अच्छा गाइडेंस यहाँ मिलता है। आप जो बाकी कोचिंग्स में आप जाते हो, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक निःशुल्क मिलता है। दूसरा ये है कि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलता है, एक अच्छा इंटरव्यू बोर्ड का पैनल मिलता है आपको। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी शासकीय परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र को कि इसी के मैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर वर्ष 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुई हूँ। शिवराज सरकार की इस योजना का लाभ आरक्षित वर्ग को मिलता है। बड़ी संख्या में लड़कियां भी इस केंद्र के जरिए कठिन परीक्षा को पास करने में सफल रही हैं। इन केंद्रों पर पीएससी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है।